सभाकक्ष में पत्रकार गणों और मीडिया कर्मियों से कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने प्रेस ब्रीफिंग की और चर्चा के दौरान कहा कि नीमच में सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा जिसमें नए 50 बेड ऑक्सीजन युक्त जल्द ही उपलब्ध होंगे। नीमच में स्वयं सेवी संस्थान दान दाता यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे जिला चिकित्सालय को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उनका जिला चिकित्सालय द्वारा क्रय भी किया जा सकता है। नीमच में वर्तमान में जिला चिकित्सालय में 106 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। नए 50 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो रहे हैं, वो जल्द ही तैयार होकर उपलब्ध हो जाएंगे। यह बात कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में पत्रकारों गणों और मीडिया कर्मियों से प्रेस ब्रीफिंग में चर्चा करते हुए कही। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि नीमच में सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा, इसके लिए PIU और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जमीन देखी जा चुकी है। नीमच में ऑक्सीजन की नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रोजाना ऑक्सीजन के वाहन आ रहे हैं। रतलाम, पीतमपुर, निम्बाड़ा व चित्तौड़ से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। प्रतिदिन नीमच में लगभग 225 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। कलेक्टर ने कहा कि रेमडेसिविर 50% निजी अस्पतालों और 50% रेडक्रॉस के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज शाम तक 143 रेमडेसिविर प्राप्त हो जाएंगे। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि सभी कोविड संक्रमितों के लिए जरूरी नहीं है कि रेमडेसिविर कोविड सैंपल की जांच रिपोर्ट अब तेजी से प्राप्त होगी। जिले में 760 एक्टिव केस हैं, इनमें से 640 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की प्रतिदिन नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। इस मौके पर अपर कलेक्टर SR नायर, IAS हिमांशु जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय, सिविल सर्जन डॉक्टर BL रावत व पत्रकार गण मीडिया कर्मी उपस्थित थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो तीन चीज़ों की अवेलेबिलिटी और उसके क्या व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में थी। एक तो ऑक्सीजन की, एक बेड अवेलेबिलिटी और रेमडेसिविर वाली अवेलेबिलिटी के बारे में। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बारे में जो बताया गया है कि लगभग अपने यहाँ पर सरकारी 150 सिलेंडर्स करीब डेली कंजम्पशन है और प्राइवेटली भी क्या कहते हैं 50-60 सिलेंडर्स का कंजम्पशन है। तो 200 से 250 के बीच में हमारा रेगुलर कंजम्पशन है और हमारी सप्लाई मेनली राजस्थान से आती थी, जो थोड़ी सी वहाँ पे अधिग्रहण होने के बाद वो ख़त्म हो गई है। तो हम लोग अलग अलग सोर्सेज से ले रहे हैं लगातार ऑक्सीजन, पीतमपुर से, रतलाम से, निम्बाड़ा राजस्थान से और क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ से। तो लगातार उसकी व्यवस्था की जा रही है और अभी भी आ रही है अलग अलग टाइम पर गाड़ी। एक तो ये चीज़ के बारे में बताया गया था। दूसरा बेड की अवेलेबिलिटी थी। बेड क्योंकि अब ज़्यादातर जो बिना सिम्टम वाले, कम सिम्टम वाले लोग रहते हैं वो तो घर पर ही मैक्सिमम है। जिनके पास रहने का नहीं है उनके हमारे पास CCC सेंटर है कस्तूरबा गांधी में और वात्सल्य भवन में। तो वहाँ पे तो जगह की अवेलेबिलिटी है और वो हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं उन पेशेंट्स उन लोगों के लिए। और ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी 106 बेड्स हैं हमारे, लगभग 104 बेड पूरे हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन बेड्स हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ानी, अभी हमारे 50 बेड्स पे सेंट्रल ऑक्सीजन का कनेक्शन हो रहा है तो संडे तक हो जाएगा कनेक्शन। जावद और मनासा में भी सेंट्रल ऑक्सीजन का कनेक्शन कर रहे हैं। सर इंजेक्शन दो तरीके से आते हैं। एक सिविल हॉस्पिटल में आता है जिसमें 50% सिविल हॉस्पिटल के मरीजों को लगता है, 50% हम लोग रेडक्रॉस के माध्यम से दे देते हैं और जिस रेट पर आता है उसी रेट पर दे देते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं प्राइवेट स्टॉकिस्ट के पास आता है। तो हर दिन लगभग करीब 30 से 50 के बीच में लगभग प्राइवेट के प्लेयर के पास आता है, जो तीन स्टॉकिस्ट हैं उनके पास में आता है। 10-20 करीब हम लोग यहाँ से अपने सिविल हॉस्पिटल की तरफ से निकालते हैं। आज में ऑर्डर किया गया है, कल आज शाम तक या कल सुबह तक 143 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट स्टॉकिस्ट के पास आ जाएंगे।